से तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गीता के ब्लॉग में। आज है रक्षाबंधन और फटाफट राखी बांधना है क्योंकि मम्मी और पापा का टिकट भी निकला हुआ है। तो बस अभी सारे सामान पैक हो चुके हैं, तैयार हो चुकी है, बस राखी बांधना है, उसके बाद इन लोग निकल जाएंगे। तो बस फटाफट हो रहा है, बोलते नहीं कि आराम से जो काम होता है वो फटाफट हो रहा है। घाई घाई कि भाई जल्दी जल्दी राखी बांधो। और हमारी छोटी की पहली राखी है यहाँ पर, तो हमने सोचा था बहुत कुछ, लेकिन ऐसा टिकट निकला है कि बस फटाफट है, वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पढ़ाई का नुकसान हो रहा है हमारी बड़ी वाली बेटी का, इसलिए तो फटाफट राखी बांधते हैं। और आप बस ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिर पे कपड़ा रखते हैं साक्षी जी, सिर पे अपने कपड़ा पूजा जाओ। नहीं पूजा, ए पूजा इसका गिफ्ट लेके आ, राजन को देखो। ये जो रिसेप्शन पे उसका नाम सीमा है, और मैं उल्टा आती नहीं। लास्ट इसमें भी उल्टे किए थे। नहीं बोला तू करना है। हाँ देखते कोमल
बड़ा मेरी भूख नहीं हुई फोकस है फोकस है ए प्रीता उससे बंद हुआ ए सीमा मसी राखी बंद हुआ उससे बैठ मत राखी पहले बंद हुआ उससे जरा भी नहीं जमता है इसीलिए अभी मैंने म्यूजिक नहीं लगाया है और को म्यूजिक लगाया जैसे मेरी छोटी थी उसी धमाकेदार म्यूजिक लगाने की कोशिश की। ये भाई बहन का 36 का आंकड़ा रहता है, जरा भी नहीं जमता, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं चलता है। कॉलेज जाना है, कुछ है तो भाई को फोन जरूर करेंगी। और ये भी
फोन जरूर करेगा बहन को, लेकिन भाई लड़ते जरूर रहते। तो भाई इस रक्षाबंधन पे दोनों जन सोच लो कि अब लड़ना नहीं, राखी बांधते बांधते भी लड़ रहे थे और यही कह रहे थे हम तो ऐसे ही लड़ेंगे। तो ये भाई बहन अलग ही अनोखे हैं। और हमारी छोटी को तो आपने देख लिया, मिठाई खिलाने के पहले वो सोच रही थी कि मुझे खुद खाना है मिठाई, तो वैसे ऐसे घाई घाई थी, लेकिन हाँ हमने रक्षाबंधन फिर भी मना लिया। बोलते हैं ना खुशियाँ मनाने के लिए एक मिनट भी काफ़ी होता है, तो हमने खुशियाँ मना ली। तो आगे म्यूजिक लगा देते हैं, लेकिन इन भाई बहन के लिए मुझे स्पेशल बोलना था कि हमेशा लड़ते करते थे लेकिन एक दूसरे के बिना चलता भी नहीं भाई बहन का। हे भगवान, और ये हमारी छोटी आ गई राखी बांधने के लिए अपने छोटे भाई को। इसको हमेशा घाई लगी रहती है, भाई मुझे जल्दी जल्दी दो, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ। मैं उसकी बड़ी बहन पकड़ रही है, रुक जा, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली, वो किसी की नहीं सुनती है। इसका मतलब अलग ही है, सबसे अलग ही नेचर है। कोई भी कितना भी सैड हो और इसे देखने के बाद उसका सैडपना हमेशा के लिए दूर हो जाता है, क्योंकि खुश हो जाता है इंसान इतनी चुलबुली से। बस भगवान इसे हमेशा खुश रखे और हमेशा ढेर सारी खुशियाँ दे, बस यही कामना है। सारी बच्चों को मेरे खुश रखे, मेरी कोमल को भी खुश रखे, ऐसा नहीं है। लेकिन इसका है ना अलग ही है, इसका चेहरा देखने के बाद कितना भी इंसान गुस्सा हो, किसी से भी हो, बिना बोले रह ही नहीं सकता। वो बोलते ना छोटी बहन सबकी दुलारी होती है, तो सबसे ज़्यादा ये अपने बड़े भाई की ज़्यादा दुलारी है, क्योंकि गांव गई है अभी, आज ही एक ही दिन हुआ है, लेकिन आने के बाद घर पे सीधा यही कह रहा है कि हाँ उन्हीं मतलब मस्ती खो रहे, बहुत चुलबुली है, राखी बांधी मुझे, उसकी राखी देखो ढीली हो गई, उसको टाइट कर दो फिर से। तो इसका अलग ही, अपने बड़े भाई की सबसे ज़्यादा लाडली है ये,
एक नंबर की, और मिठाई भाई देख कर सोचती मैं खा लूँ, और अपनी बहन को भी खिला रही थी और खुद खाने लगी। बस ये बहुत चुलबुली है, और बस इसे रक्षाबंधन मना लीजिए। और छोटे बच्चे हैं तो ऐसी मस्तियाँ होती रहती है, और बहुत घाई थी लेकिन फिर भी मैंने कह रही हूँ रक्षाबंधन मनाया। लेकिन बोलते ना सेल्फी नहीं ले पाए, और पाँव छू रही थी, कितनी खुश हो जाती है जब इसके कोई पाँव छूते। और आशीर्वाद देखने का तरीका देखो, आशीर्वाद दे बुद्धि दो मैं कह रही थी। ये दोनों बच्चियां हैं ना, बहन है जिसके पहले राखी बांधी वो बड़ी है, और एक ये छोटी वाली बहन है। ये दोनों बहन मेरे बेटे प्रेम को है ना बचपन से राखी बांध रही जब छोटे थे, और मेरा बेटा भी छोटा था तो बस ऐसे बहुत दूर से आई थी, तो ये हो रहा था कि है ना फट मतलब राखी बांध दे अपने घर पे सेफ पहुंच जाए। तो बस ये रक्षाबंधन कुछ बोलते हैं ना क्या कहें, अब मैं रक्षाबंधन के नाम पे मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ। आगे मैं क्या कहूँ, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हंसते मुस्कुराते और अच्छे से रक्षाबंधन मना लीजिए, सेल्फी निकाल लीजिए, वीडियो निकाल लीजिए। क्योंकि जब आपका भाई या फिर बहन विदा होकर ससुराल चली जाएगी, या फिर आपका भाई कमाने के लिए बाहर चला जाएगा, तो यही एक रहती ही यादें जो हमारे पास रहती, तो इसे सजोग लीजिए। हाँ, कहीं कहीं मैंने अपना नहीं, पहले मैं यूट्यूब पे थी और मैंने वीडियो निकालने का मुझे इतना वो नहीं था, था शौक था ये नहीं कहूँगी, बट थोड़ी सी होता ना झिझक रहती है, तो फिर मैंने नहीं निकाल पाई। तो आज सोचती हूँ कि काश मैंने थोड़ी सेल्फी निकाली होती अपने भाई के साथ, जब मेरा भाई छोटा था तभी वीडियो बना ली होती, तो आज मेरे पास काफ़ी सारी यादें रहती। लेकिन कोई बात नहीं, देर से आए दुरुस्त आए, वही वाली है। तो हैप्पी रहिए, खुश रहिए।